हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। ये अपडेट आईआईटी मद्रास की तरफ से निकल कर आ रही है। जैसे कि मैं देख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे ये जो रिक्रूटमेंट है वो किन के लिए है, इसमें कौन कौन से पोस्ट निकल कर आई है, उस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, कब इसकी लास्ट डेट है, कैसे इसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है ये आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वालों के, अगर आपने आईटीआई किया है ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 इयर्स डिप्लोमा किया है या आपने बीटेक किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट किन के लिए है। सबसे पहले आपकी जो टेक्निकल पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर, ठीक है। जूनियर इंजीनियर की टेक्निकल पोस्ट है, जो आपकी टोटल जो सीट है उसमें वो 1 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो टेक्निकल पोस्ट है वो है जूनियर टेक्नीशियन, इसकी जो टोटल सीट वो आपकी 34 सीट है। नेक्स्ट आपकी है जूनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस, इसकी टोटल सीट जो है वो 6 है। जूनियर टेक्नीशियन टेलीफोन, इसकी जो टोटल सीट आपकी वो 1 है। यानी कि ये सारी जो पोस्ट थी, यानी कि पोस्ट नंबर 4, पोस्ट नंबर 5, पोस्ट नंबर 6, 7 और पोस्ट नंबर 8, ये 4 जो पोस्ट थी वो आपकी टेक्निकल पोस्ट है, और इन सभी की सीट मिलाकर आपकी टोटल 42 सीट जो है वो टेक्निकल सीट निकली हुई है। तो चलिए बात करेंगे ये जो 42 सीट, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। देखिए सबसे पहले आपकी जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ 2 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। यानी कि अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 60% मार्क्स के साथ आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हो और मिनिमम आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और आपके 60% मार्क्स है डिप्लोमा में तो आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि सेंसर क्वालिफिकेशन एक रखी गई है कि अप्लीकेंट शुड हैव अ सुपरवाइजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल सी लाइसेंस फ्रॉम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ मिनिमम 11 kV, ठीक है। नहीं आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास किया तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल सी लाइसेंस होता है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, वो आपके पास होना चाहिए, तभी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन में आपकी सिविल, केमिस्ट्री, मैकेनिकल, ईसीई, ई&आई, ईई, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सब स्ट्रीम में अभी आपकी वैकेंसी अभी है। इसके जो टोटल सीट आपकी रखी गई सिविल वालों के लिए 3 सीट, केमिस्ट्री के लिए 3 सीट, मैकेनिकल के लिए 12 सीट और ECE&I और EE के लिए 12 सीट रखी गई, ठीक है। इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी वो मांगे 3 इयर्स डिप्लोमा इन रेलिवेंट टू द स्ट्रीम विद एटलीस्ट 60% मार्क्स फॉर और इक्विवेलेंट, ठीक है। आपने जिस भी स्ट्रीम से आपने डिप्लोमा किया उसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आप जिस भी स्ट्रीम से किया आप उसी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया तो आप सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके मिनिमम 60% मार्क्स है तो, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया, अगर आपने ITI किया है तो 10th + 2 इयर्स का, अगर आपने ITI इनमें से किसी रिलेटेड ट्रेड से किया है, अगर आपने सिविल से रिलेटेड किसी ट्रेड से किया है या केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी ट्रेड से किया है या मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड किसी ट्रेड से आपने ITI किया है और आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं और आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तब भी आप इस पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डिप्लोमा वाले और ITI वाले दोनों इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ITI वालों के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, डिप्लोमा वाले के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कैंडिडेट डिजायर्स टू अप्लाई फॉर मोर देन वन स्ट्रीम शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच स्ट्रीम। अगर आप एक से ज़्यादा स्ट्रीम में आपने क्वालिफाई है, अगर आपने सिविल मैकेनिकल से, अगर आपके पास दो दो स्ट्रीम से सर्टिफिकेट्स हैं तो आप दो स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सब दोनों के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म, ठीक है। इसकी जो टोटल सीट आपकी वो 34 सीट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जूनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस, ठीक है। इसमें आपकी जो फर्स्ट स्ट्रीम है वो सिविल इंजीनियरिंग, सेकंड आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए 2 सीट और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 4 सीट है। इसके जो क्वालिफिकेशन मांगी वो मांगी 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हो और मिनिमम 60% मार्क्स हो आपके। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो, या आपने डिप्लोमा नहीं किया, अगर आपने ITI किया है तो आपने सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी ट्रेड से 2 इयर्स का ITI किया है 10th के बाद, ठीक है, और आपके मिनिमम 60% मार्क्स है और आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डिप्लोमा वाले और ITI वाले दोनों ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है और डिप्लोमा वाले के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। यहाँ फिर मैं आपको बता दूँ इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं उनके पास इलेक्ट्रिकल सी लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट के लिए ये मांगा जाता है। ये आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है जूनियर टेक्नीशियन टेलीफोन, ठीक है। 3 ईयर्स डिप्लोमा इन ईसी एंड सी, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से या आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया 3 ईयर्स और आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन टेलीफोन के लिए। तो ये टोटल आपकी जो टेक्निकल पोस्ट थी और उसके जो क्वालिफिकेशन थे मैंने आपको बता दिया। कुछ इसके इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का हम जान लेते हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, तो आपके हो सकते हैं आपके फॉर्म में मिस्टेक कर दे और आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दे। चलिए हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट नोट में क्या दिया हुआ है। डिप्लोमा शुड बी ऑफ 3 ईयर्स कोर्स ड्यूरेशन आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, द आईटीआई सर्टिफिकेट शुड बी एटलीस्ट ऑफ 2 ईयर्स आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया हो तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एली वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपने 10th के बाद एटलीस्ट 2 ईयर्स का आपने आईटीआई किया हो, 1 ईयर वाले जो आईटीआई है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके डिप्लोमा हो या आपके आईटीआई हो, आपके रिकग्नाइज डिपार्टमेंट से, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिकग्नाइज होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने आईटीआई किया तो आपके एनसीबीटी से, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपके टेक्निकल बोर्ड से आपके सर्टिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या बताए गए हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से देख लें ताकि आपके कोई भी मिस्टेक्स ना हो सके। सबसे पहले बात, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इस पोस्ट के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टेस्ट इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई हिम ऑन ऑनलाइन अप्लीकेशन। दे मस्ट इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन इज सच ट्रू इफ एनी सब्सिक्वेंट स्टेज और एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू एनी इन्फॉर्मेशन गिवन बाई देम और एनी क्लेम मेड बाई देम इन देयर ऑनलाइन अप्लीकेशन इज फाउंड बी फॉल्स, द कैंडिडेट विच विल बी लाइबल टू बी रिजेक्टेड। यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनको टेस्ट या इंटरव्यू जो जिस भी बेसिस पे ये सिलेक्शन करेंगे उसके लिए जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो आप जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपने अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स देंगे, जो भी डिटेल देंगे उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। इसलिए आप अपने एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन में सारी चीज़ सही दीजिए, ट्रू इन्फॉर्मेशन आपको देना है। क्योंकि अगर इंटरव्यू या टेस्ट के समय ये आपका अगर ये पता चलता है कि आपके जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया था ऑनलाइन वो आपकी गलत है तो आपका कैंडिडेचर उस समय रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलैक्सेशन इन एज अप टू 5 ईयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट। अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप OBC NCL से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं कि हमको अप्लाई करते समय क्या क्या इंस्ट्रक्शन ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट, कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन इन द वेबसाइट। हमको क्या करना है, अप्लाई जो करना है फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है इस वेबसाइट पे recruit.iitm.ac.in। इसका अप्लाई लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर किसी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेट अप्लीकेशन हैज बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट। अगर आप बहुत सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सारे पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट शुड फॉलो द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन। द कैंडिडेट सेल ओनली द फॉलोइंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ये सीक्वेंस वाइज आपको अपलोड करना है। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो आपको अपलोड करनी है, जैसे कि पहले SLC, उसके बाद हाई स्कूल सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा, UGC, जो भी आपके पास है सीरियल वाइज आपको अपलोड करना है। फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इशू बाई म्यूनसिपल, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है अगर म्यूनसिपैलिटीज़ के थ्रू इशू किया हुआ है तब भी ठीक है, नहीं तो आपके पास उसके लिए आपको मैट्रिक या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप पहले से इंप्लॉयड है कहीं पे तो आपको NOC देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ लें इसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है अप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। इसके लिए जो अप्लीकेशन फ़ी होगी वो कितनी होगी, द अप्लीकेशन फ़ी ₹300, यानी कि आपको इस में अप्लीकेशन फ़ी जो आपकी ली जाएगी वो आपकी ₹300 ली जाएगी। अगर आप SC ST PWD या वोमेन कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई भी अप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई, आपके लिए फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ पे। आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन सबमिशन अप्लीकेशन अ प्रिंट आउट ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी ऑब्टेंड एंड सबमिटेड विद कॉल फॉर टेस्ट इंटरव्यू। जब आप ऑनलाइन अप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लीकेशन का प्रिंट आउट रख लेना है जो आपसे टेस्ट या इंटरव्यू के समय मांगा जाएगा, ठीक है।
और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इज नॉट टू बी सेंड टू द इंस्टीट्यूट, और उसका हार्ड कॉपी जो है वो अपने पास रखना है, उसे इंस्टीट्यूट के पास सेंड आपको नहीं करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एप्लीकेशन फॉर्म्स इनकम्प्लीट इन एनी वे और नॉट हैविंग रिक्वायर्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विदाउट प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फी और लेटेस्ट फोटोग्राफ इज लियबल टू रिजेक्ट विदाउट इंटीमेशन। ठीक है, आपके एप्लीकेशन में कोई भी मिस्टेक्स है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो या आपके एप्लीकेशन फी से रिलेटेड हो या आपका कोई फोटो जो है वो अगर लेटेस्ट ना हो, तो इन सभी रीजन से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इसलिए आप अच्छे से ध्यान दें कि आप सारी चीज़ें आपकी जो वो करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल कैंडिडेट इन एवरी रिस्पेक्ट शैल बी प्रिस्क्राइब क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि जितने भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके कैंडिडेट के मांगे गए हैं, वो आपको क्लोजिंग डेट से पहले इस फॉर्म के क्लोजिंग डेट से पहले आपकी वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसकी क्लोजिंग डेट क्या है, इसकी क्लोजिंग डेट है 23 अगस्त 2021 शाम के 5:30 बजे। यानी कि 23 अगस्त से पहले आपके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब अच्छे से देख लें कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त है, तो आप 23 अगस्त से पहले से जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे पोस्ट निकल के आई हुई है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपकी जो पोस्ट थी, तो वो आपकी जो पोस्ट थी टेक्निकल, वो तो जूनियर इंजीनियर, और आपकी इसमें जूनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस और जूनियर टेक्नीशियन टेलीफोन। तो इन सभी पोस्ट में आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू।